वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास 12 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन और ईरान के दौरों पर काबीना को इत्मीनान में लिया। नैब की कार्रवाइयों पर कारोबारी शख्सियात के तहफ्फुज़ात पर वफाकी काबीना ने नैब को खुसूसी कमेटी बनाने की सिफारिश कर दी। रिकमेंडेशंस नैब को फॉरवर्ड की गई हैं। नैब फैसला करे कि वो ब्यूरोक्रेट और बिजनेस कम्युनिटी जो है उनके खिलाफ आने वाली जो शिकायत और सॉलिड प्रूफ्स हैं उनको उसमें शामिल तफ्तीश या कोई एक्शन लेने से पहले वो लीगल मैकेनिज्म क्या हो ताकि वो क्लास अनरेस्ट और हरासमेंट जो है उससे उनको निकाला जाए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मौलाना फजल रहमान चोर बचाओ तहरीक लेकर इस्लामाबाद आ रहे हैं मगर इन तिलों में तेल नहीं। मार्च को रोकने या न रोकने का फैसला सूबाई हुकूमतों ने करना है। ये माल बचाओ जो पार्टी है इन्होंने अपना माल पानी बचाने के का जो एजेंडा है वो मौलाना साहब को ठेके पे दे दिया। ये दोनों दूरबीनें लगा के मौलाना साहब की तरफ देख रहे हैं। हम नहीं समझते कि इन तिलों में कोई तेल है। कैबिनेट के अंदर यकीनन इस हवाले से एक डिस्कशन हुई क्या इस पे लायामल होना चाहिए, लेकिन वो लायामल जो है वो चूंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी स्वाबदीद पे छोड़ा गया। अभी तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो आपस में खतो किताबत जो है वो चल रही है, तो पहले ये फैसला हो जाए कि वो क्या चाह रहे हैं। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद के मास्टर प्लान में तब्दीली की भी मंजूरी दे दी। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कानून अपना रास्ता बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का घर भी अगर रेगुलेशन में आता है तो मुबर्रा नहीं होगा। सेक्टर G6 को एक पायलट के तौर पे टेकअप करने का फैसला किया गया। कच्ची आबादियों की भी बात है जिसमें अल्टीमेटली ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो अपनी मनमानियों पे एक्सपेंशन भी की हैं और बगैर किसी अप्रूव्ड प्लान के तहत की हैं, तो उसमें रूल ऑफ लॉ के तहत जो लॉ अपना रास्ता अख्तियार करेगा। काबीना इजलास में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, किसी को भी कीमतों में इजाफा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। काबीना ने डॉक्टर इस्मत तायरा को MD नेशनल फर्टिलाइजर और मसूद नकवी को मेंबर SECP पॉलिसी बोर्ड तैनात करने की मंजूरी दे दी। काबीना ने रियल स्टेट ऑर्डिनेंस 2019 के तहत रेगुलेटरी अथॉरिटी के क्याम, इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेशन एक्ट 2018 के बोर्ड मेंबरान की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। कैमरामैन शबीर डार के साथ अयाज अकबर, यूसुफ़ज़ई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।